हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। और 21 फरवरी को मैं गई थी दिल्ली से देहरादून, मेरी फ्रेंड की शादी थी, सोनम की शादी। तो मैं दिन में पहुंच गई थी यहाँ पे और फिर इसके घर भी चली गई थी शाम को 4 बजे। सोनम, तेरे और फ्रेंड्स भी है कोई? रोहित को नहीं बुलाया तूने? रोहित को नहीं सोनम के घर 21 तारीख को उसकी मेहंदी भी थी और साथ में सुंदरकांड का पाठ था। और फिर लास्ट में ये हो रहा है कीर्तन। कीर्तन जैसे महिला संगीत होता है वैसे ही इनका कुछ इस तरह का फंक्शन था। तो इसमें काफ़ी मज़ा आया हमें, हमने भजन सुने, सुंदर सुंदर पहाड़ी गाने सुने और खूब डांस भी किया। सोनम बार बार बुला रही थी मुझे भी डांस करने के लिए और साथ में जो मेरे साथ और फ्रेंड्स थे उनको भी, लेकिन अगर मैं जाती तो वीडियो कॉल बनाता, इसलिए मैंने अपने साथ वालों को अपना मोबाइल दिया कि वीडियो बनाना और फिर मैं भी गई डांस करने। बड़े होने के बाद इस तरह के फंक्शन में मैं पहली बार गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉय करा इस तरह से भजन पे नाचते हुए। और काफ़ी मन से ही खुशी महसूस हो रही थी कि चलो कोई भी अच्छा काम शुरू होता है तो उससे पहले इस तरह का फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। और ये हम लोग फिर थोड़ा छत में मस्ती कर रहे थे कि चलो ऊपर जाके करते हैं थोड़ी मस्ती अपनी। फिर आखिरी में
सोनम की बधाई हुई। तो भजन कीर्तन करने के बाद जब भी महिला संगीत होता है तो लास्ट में जो दुल्हन होती है उसको बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं सब बड़े मिलके। घर के काम करने ऐसा लग रहा ध्रुव की मेहंदी होगी और ये फोटो खिंचा रही हूँ वो उसकी शक्ल वैसे देख रही था। रात को फिर डिनर करके हम लोग घर वापस जा रहे थे। तो उस दिन वहाँ शाम को रात को बारिश हुई थी तो फिर हम 9:30-10 बजे निकल पाए वहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।